क्रिकेट की दुनिया भारत पाकिस्तान मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रही है। आज T20 वर्ल्ड कप में दोनों टीम आमने सामने होगी। चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया एक साल में चौथी बार भिड़ने को तैयार है। देखिए रिपोर्ट। ये है जंगे टीम इंडिया सबसे महान। क्रिकेट की दुनिया भारत पाकिस्तान के मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रही है। आज T20 वर्ल्ड कप में दोनों टीम आमने सामने होंगी। चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया एक साल में चौथी बार भिड़ने को तैयार है। T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो भारतीय टीम एक साल बाद पाकिस्तान के खिलाफ उतरी है। ऐसे में उसके सामने पिछली हार का बदला लेने की चुनौती है। रोहित ब्रिगेड जीत के लक्ष्य के साथ मैदान पर कदम रखेगी तो उसे पाकिस्तानी टीम के गेंदबाज चैलेंज देने को तैयार हैं, क्योंकि पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग पॉइंट उनकी गेंदबाजी है। इस वर्ल्ड कप अभियान की जीत से शुरुआत से ही भारतीय टीम 15 साल के खिताबी सूखे को समाप्त करने के बारे में सोच सकती है। ऑब्वियसली हमें भी पता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग कितनी अच्छी है और हमारी बैटिंग काफी एक्सपीरियंस्ड है, तो एक अच्छा सा माहौल बन जाता है जब ऐसे दो कंपेटिटर्स आमने सामने होते हैं। और हमें पता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग हमें चैलेंज करेगी और हमारे बैट्समैन भी रेडी रहेंगे उस चैलेंज के लिए, तो एक स्पेक्टेटर्स के लिए भी बाहर जो बैठ के देख रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छा सा माहौल बन जाता है मैच देखने के लिए, क्योंकि अच्छा मुकाबला होता है इंडिया पाकिस्तान का, हमेशा से हमने देखा है। बट अगेन मैं यही कहूँगा कि हमने कुछ चीज़ों के बारे में बात की है, हमें किस तरीके से बैटिंग करनी है, किस तरीके से बॉल डालनी है, क्योंकि मैच जीतने के लिए आपको बैटिंग तो करना ही है बट साथ साथ में बॉल भी डालना है, उनके बैट्समैन को भी आउट करना है। तो आई थिंक हमारे लिए ये ज़रूरी होगा कि हम दोनों चीज़ें कैसे अच्छे तरीके से करें, और फील्डिंग को यहाँ पर भूलना नहीं चाहिए हमें, क्योंकि फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो आई थिंक हमें ये इन तीनों चीजों के बारे में ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। आंकड़ों की अगर बात करें तो भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया में अब तक 12 T20 मैच खेले हैं। यहां भारत ने 7 मैच जीते हैं और 4 मैचों में हार झेली है, एक मैच बेनतीजा रहा है। साल 2012 और 2018 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1-1 से सीरीज ड्रॉ रही थी। वहीं 2016 और 2020 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसी की सरजमीं पर शिकस्त दी थी। भारत का ऑस्ट्रेलिया में ये दमदार रिकॉर्ड पाकिस्तान के लिए दोहरे सिर दर्द से कम नहीं है। वहीं आज तक पाकिस्तान की टीम को ऑस्ट्रेलिया में एक भी T20 मैच में जीत हासिल नहीं हुई है। पाकिस्तानी टीम ने अब तक ऑस्ट्रेलिया में 4 मुकाबले खेले हैं, इनमें से 3 में उसे हार मिली है जबकि एक मुकाबला बेनतीजा रहा। हालांकि ये चारों मुकाबले उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही खेले थे। देखें सर, ये तो ऑन द डे पता लगेगा, यू नेवर नो, T20 है और ऑन द डे कुछ भी, कोई भी प्लेयर सरप्राइज कर सकता है और ये शॉर्ट फॉर्मेट है और T20 में कोई भी प्लेयर आपको मैच जिता सकता है। और हमारे ऑलमोस्ट मुझे पूरा बिलीव है अपनी टीम पे, और जितने भी मेरे मिडिल ऑर्डर हैं काफ़ी मैच जिताए हुए हैं और काफ़ी उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं मुश्किल टाइम में, तो मैं एज अ कप्तान उन पर बिलीव करता हूँ। यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, तो हर चीज के लिए रेडी रहना चाहिए। भारतीय टीम की बात करें तो टीम में रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पंड्या, आर अश्विन, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी शामिल हैं। सभी खिलाड़ी जीत के साथ मेलबर्न में अपने मिशन की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। अभी तक मेलबर्न में जितने मैच देखे हैं ये चौथी मैच है और 3 मैच टीम इंडिया ने जीती है, तो मेरे लिए लकी है ये ग्राउंड और कल के हर हाल में मैच जीतनी होगी, क्योंकि सब भारतीय वासियों को दिवाली तोहफा में दें, मतलब जीत दिवाली की तोहफा में जाए। देखो, भारत आर्मी ऐसा है कि हम लोग 12th मैन है, ठीक है, टीम इंडिया का। वी विल सपोर्ट देम wherever दे आर, wherever दे ट्रेवल, ऑल द टाइम हमारा जोश पूरा उनके साथ रहता है। या अपसेट होते रहते हैं और वो 100 मैचों में एकाध मैच में होता है। आप रिकॉर्ड भी देख लो कि इंडिया 99% मैच जीती हुई है, तो रिकॉर्ड भी दिखा रहे हैं। और इंडिया, जिस तरह से इंडिया की टीम इस फॉर्म में है,
इंडिया के सारे प्लेयर बल्लेबाजी में, बॉलिंग में, फील्डिंग में जितने फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान का कोई चांस ही नहीं है। सब लोग बोलते हैं इंडिया का बॉलिंग यूनिट ठीक नहीं है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे जो सिलेक्टर्स हैं सब बॉलर्स ही है। उन्होंने बहुत सब कुछ एनालिसिस रिसर्च करके जो ऑस्ट्रेलिया की पिच है, जो पिच है, इसीलिए बॉलर्स को सिलेक्ट किया है, ऐसे बॉलर्स को सिलेक्ट किया है कि जो यहाँ पे परफेक्ट और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले हैं। तो बॉलर्स है, हमारी बैटिंग यूनिट तो परफेक्ट ही है। वहीं मेलबर्न में बारिश भारत पाकिस्तान के मैच में विलन बन सकती है, क्योंकि यहां पर सुबह 25% और शाम को 90% बारिश की संभावना है। लेकिन भारतीय टीम पाकिस्तान को हराकर दिवाली गिफ्ट देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस मुकाबले को फाइनल से पहले का फाइनल भी कहा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।